Hello friends, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you guys are watching me for the first time, please फटाफट से channel को subscribe कर दो because I post videos every week and this is like a girly video today and we will be talking about face shaving or dermaplaning. So face shaving is you know just by the term you know it's like shaving your face. सो हाँ आज हम उसके बारे में बात करेंगे एंड ये चीज़ बहुत टाइम से लाइक पास्ट 2-3 ईयर्स से इट्स लाइक इट्स अ वेरी इन थिंग एंड उससे पहले ऑल आर मॉम्स एंड यू नो आर एल्डर्स यूज टू से अरे फेस को शेव नहीं करना दाढ़ी उग जाएगी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा बट नहीं पिछले 2-3 सालों से इट्स लाइक ऑल ओवर द इंटरनेट एंड फ्रॉम पास्ट 1 ईयर इवन आई वॉज कंसिडरिंग डूइंग द सेम बट मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई थी बिकॉज मुझको भी यही लगता था कि आई डोंट नो क्या हो जाएगा हो सकता है एक्ने हो जाए हो सकता है स्किन रैश हो जाए हो सकता है दाढ़ी एक्चुअली जेन्युइनली दाढ़ी ग्रो हो जाए बट फाइनली हिम्मत करके आई एम शेविंग माई फेस फॉर द फर्स्ट टाइम टूडे एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ यू गाइज एंड जितने भी मिथ्स होंगे अपना एक्सपीरियंस होगा कैसे फेस शेव करना है ऑल ऑफ दिस आई एम गोना शेयर इन दिस वीडियो सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो सबसे पहले जानते हैं फेस शेविंग क्या है सो फ्रॉम द नेम इट्स वेरी अपेरेंट फेस शेविंग इज जस्ट शेविंग योर फेस एंड जितना भी फेस पे हल्का हल्का बाल होता है एंड पीच फज होता है कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा हेयर होता है कुछ लोगों के बहुत कम हेयर होता है मेरे बहुत रोए वाले बाल थे तो उसको रेजर की हेल्प से हटाना एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड डर्मा प्लेनिंग सो वाई इट इज़ प्रेफर्ड बिकॉज इट्स टेक्निकली पेनलेस कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता इट्स वेरी चीप इट्स वेरी क्विक ऑल यू नीड इज़ अ रेजर अ फेस रेजर टू डू एंड फेस रेजर ऐसा होता है कुछ इस तरह सा इट कम्स विद अ कैप एंड ये बहुत चीप होता है इट्स इट वाज फॉर आई थिंक 125 रुपीज़ इट्स फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड सिरोना एंड ये बहुत डिफरेंट ब्रांड्स के हर जगह नायका वायका हर जगह इंटरनेट पे अवेलेबल हैं आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो एंड मेरा ये है एंड दिस इज़ लाइक माई फर्स्ट रेजर ये मैंने 3-4 महीने पहले लिया था बट हिम्मत नहीं जुटा पाई थी अपना फेस शेव करने की बट फाइनली मैंने ट्राई कर लिया ये मैंने 3 हफ्ते पहले एक पैच टेस्ट किया था तो मैंने थोड़ा सा ये वाला पोर्शन शेव करके देखा था कि कुछ रिएक्शन तो नहीं होता एक्ने तो नहीं होता एंड हेयर कैसा ग्रो होता है तो येस मैंने पैच टेस्ट कर रखा था बट सो बैक टू द क्वेश्चन वाई शेविंग बिकॉज टेक्निकली इट्स पेनलेस कोई बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता वैक्सिंग में थ्रेडिंग में when they just pull your skin it's very painful and ye pigmentation bhi kar deta hai waxing because you are putting chemicals on your face and that's why in a longer run it's not good for your skin and बहुत जल्दी जैसे जो लोग अपर लिप्स कराते हैं लेटर ऑन स्टेजेस में ये वाली स्किन उनकी बहुत लटक सी जाती है बहुत रिंकली हो जाती है एंड यहाँ पे अगर आप वैक्सिंग कराओगे तो 100% एक्ने होगा ही होगा एंड मेरे जैसी सेंसिटिव स्किन जिसपे आई कैन नॉट इवन ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स विदाउट द फेयर के कुछ रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे सो एनी थिंग इवन सिंपल से सिंपल इन्ग्रीडियंट कैन रिएक्ट ऑन माई स्किन हाईली एक्ने प्रोन सेंसिटिव सॉर्ट ऑफ अ स्किन सो मेरे लिए वैक्सिंग इज नॉट एन ऑप्शन आई कॉन्ट इवन थिंक ऑफ गोइंग फॉर लाइक अ फोरहेड वैक्स और यू नो साइड बर्न्स वैक्स या फिर चिन वैक्स थ्रेडिंग इज इक्वली पेनफुल एंड इट्स वेरी इनकन्वीनियंट आईब्रोज मैं अभी भी थ्रेड कराती हूँ आईब्रोज और अपर लिप्स बट नॉट ऑन माई फेस सो फेस शेविंग इज द सिंपलेस्ट वे टू डू सो ऑल्सो इट एक्सपोलिएट्स योर स्किन इट मेक्स द प्रोडक्ट्स गो डीपर इन टू योर स्किन एंड जितने भी सीरम्स हैं जितने भी आप प्रोडक्ट्स लगाओगे मॉइस्चराइजर इट विल यू नो गो डीपर इन टू द स्किन एंड उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा इसके अलावा मेकअप एप्लीकेशन इज सो स्मूद इट रिमूव्स ऑल द डेड स्किन एंड ऑल एंड योर स्किन फील्स सो स्मूद एंड इट्स वेरी ईजी अगर इफ़ यू गेट अ होल्ड ऑफ इट इट्स वेरी ईजी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट स्किन प्रेपरेशन एंड देन वील बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू डू इट एंड देन पोस्ट उसका केयर तो ये पूरा प्रोसेस आई विल गो थ्रू एंड ऑलरेडी मैंने फेस शेव कर रखा है मैंने इस पर मेकअप अप्लाई कर रखा है एंड माई मेकअप सिट्स सो ब्यूटिफुली एंड येस बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप एक पैच टेस्ट ज़रूर करो जैसे मैंने किया था आई डिड अ पैच टेस्ट बिफोर शेविंग द कम्प्लीट फेस तो येस ये मेरा पूरा फाइनल रिजल्ट है एंड मेरा मेकअप इतने प्यार से बैठा हुआ है कुछ लोगों को इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कुछ लोगों को अगर आपने ढंग से नहीं किया रैश हो सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी स्किन टाइप इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ पहले ज़रूर एक पैच टेस्ट करके देखो छोटे से पोर्शन को शेव करके देखो इफ
इट गोज फाइन देन धीरे 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 करके आप एरिया बढ़ाना, एकदम से पूरे फेस को शेव मत करना. मैंने ये सब चीज़ें ट्राई कर ली हैं, दैट इज़ वाई आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ टू शेव माई फेस अगेन. आई टेक्निकली शेव्ड माई फेस, सो इट्स लाइक दी आफ्टर रिजल्ट. आई हैव नेवर फेल सो गुड. एंड मैंने ट्रस्ट भी, मैंने इतना सा प्रोडक्ट लगाया फेस पे, इतना सा कंसीलर लगाया पूरे फेस पे, एंड इतने प्यार से वो ब्लेंड हुआ है. सो येस, आई स्टॉप ब्लैबरिंग नाउ एंड वील गेट इन टू द वीडियो एंड आई शो यू हाउ टू फेस शेव. सो वी गोना स्टार्ट विद द फेस शेविंग वाला प्रोसेस. एंड मैंने अपने स्किन को पूरा क्लीन कर लिया. सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्किन को अच्छे से प्रेप करना. सो स्किन प्रेपरेशन में यू जस्ट हैव टू क्लीन योर फेस. सो मैंने स्किन को बहुत अच्छे से साफ कर लिया है एंड विद अ जेंटल क्लींजर. एंड मेरी स्किन इस टाइम बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है. सो इट जस्ट फील्स क्लीन. एंड देयर लाइक थ्री वेज ड्राई शेविंग जो कि आज मैं करूँगी. सेकेंड, यू कैन अप्लाई एलोवेरा जेल और एनी यू नो सीरम और एनी शीट मास्क. एंड द थर्ड इज़ लाइक एक घंटे पहले ही अपना वट एवर स्किन प्रिपरेशन यू हैव टू डू एंड अप्लाई अ मॉइस्चराइजर एंड लेट दैट सिंक इन. एंड एक घंटे बाद आप फेस शेव कर सकते हो. पहली बार अगर आप फेस शेव कर रहे हो तो पूरे फेस में मत करो, ट्राई विद अ पैच टेस्ट. तो मैंने हल्का बहुत यहाँ शेव किया था एंड हल्का सा यहाँ पे शेव किया था जस्ट टू सी कि मेरा स्किन कैसे रिएक्ट कर रहा है एंड कुछ रैश नहीं हो रहा, कुछ एक्टिव एक्ने नहीं हो रहा, बिकॉज माई स्किन इज लाइक वेरी 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 सेंसिटिव. जैसे कि मैंने पहले बताया था हमारा पार्ट. सो मैंने फेस धो लिया है एंड ऑल यू नीड इज लाइक रेजर एंड सम टिश्यूज जिसपे मैं पीच फज कलेक्ट करूँगी. एंड उसके अलावा आई कॉटन पैड्स, इस पर भी मैं कलेक्ट कर सकती हूँ. सो बिफोर स्टार्टिंग यू गॉट डिवाइड योर फेस इनटू लाइक सेक्शंस. सो द फोरहेड इज़ वन सेक्शन, दिस साइड इज़ वन सेक्शन, दिस साइड इज़ अनदर सेक्शन एंड दिस एरिया इज़ लाइक वन सेक्शन. सो आई हैव डिवाइडेड माई फेस इनटू लाइक 1, 2, 3, 4 सेक्शंस एंड वी गॉना डू इट लाइक जेंटली सेक्शन बाई सेक्शन. सो वी गॉना स्टार्ट विद दिस पार्ट फर्स्ट. आई मीन आई कैन स्टिल फील. सो इसको करेंगे. सबसे पहले रेजर को क्लीन कर लेना. मैंने सैनिटाइजर से क्लीन किया, गंदे मंदे रेजर से नहीं करना एंड स्किन साफ होनी ही चाहिए. मेकअप लगा हुआ है और एकदम से कर दोगे तो मत करना, एक्ने हो सकता है एंड अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे. सो येस, स्किन शुड बी क्लीन और रेजर शुड बी क्लीन एंड जेंटली. स्किन को बहुत लोग करते हैं ऐसे पुल कर लेना है, ऐसे करना है, कुछ नहीं करना. जस्ट योर स्किन शुड बी टॉट, मतलब यू कैन डू इट लाइक दिस और ऐसे ऐसे खींच खाच के नहीं करना. सो येस, गोना स्टार्ट कि मतलब कट्स ना पड़े. सो ये मेरे साइड बर्न्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है. सो इनको मैं से साइड से करूँगी एंड यहाँ से स्टार्ट करूँगी. फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल पे मेरा रेजर रहेगा एंड सी माई स्किन इज नॉट मूविंग. आई मीन योर स्किन शुड नॉट मूव एंड बहुत ज़्यादा गाड़ के नहीं करना, बहुत हल्के से इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ आपको फेस शेव करना है. सो इट्स सो सैटिस्फाइंग गाइस, इट्स सो सैटिस्फाइंग. मतलब ऐसा लग रहा था जैसे धूल निकल रही है, मैं फेस की डस्टिंग कर रही हूँ. मतलब ऐसे ही डेड स्किन भी है. आई डोंट नो इफ दीज आर हेयर, दीज आर जस्ट, ऐसा लग रहा है मतलब जैसे धूल निकल रही है सोफे में से. ओ गॉड, इट्स सो सैटिस्फाइंग. आई एम गोना कलेक्ट इट ओवर हियर. इसमें मेरे वाइट कलर के बाल क्यों निकल रहे हैं? गॉड, आई मीन ये वाइट है एंड इस पे बाल है बहुत सारे बट ऐसे दिख नहीं रहे. एंड दिस स्किन फील सो स्मूथ, इट्स लाइक सो बेबी सॉफ्ट एंड ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नई स्किन हो. नाउ वी गोना कम टू द चिन एरिया एंड मेक श्योर जो भी आपके एक्टिव एक्ने हैं उस पर मत करना, उससे बचा के करना, अदरवाइज इट्स गोना इरिटेटेड मोर. Do it, do it, do it.
मेरे को अपना ये वाला पोर्शन साइड बर्न्स बहुत ज़्यादा ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसके साइड से करूँगी हल्का सा 45 degree इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ, जेंटल स्ट्रोक्स एंड माई स्किन इज नॉट मूविंग, जैसे ऐसे ऐसे नहीं करना, बहुत जेंटल और छोटे छोटे स्ट्रोक्स में। यार इस पोर्शन में ना मैं पहली बार शेव कर रही हूँ एंड दैट्स माई लाइक द मोस्ट एक्ने प्रोन स्किन, बस कुछ हो ना यहाँ पे, पता लगा कल उठी और 100 करोड़ पिंपल्स हो गए। एक ही जगह पे बार बार बहुत ज़्यादा नहीं करना, दैट विल कॉज रेजर बर्न्स। एक जगह पे जितना कर, एक बार हो गया हो गया, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में थोड़ा सा स्ट्रेच कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे कर्व्स हैं। एंड नोज भी कर लेती हूँ, नोज पे दो बाल नहीं है बट नोज पे डेड स्किन तो है, सो आई एम गोना डू माई नोज एंड वेरी केयरफुली। देखते हैं नोज से कुछ निकलता है या नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द फोरहेड नाउ। फोरहेड पे मैं पहली बार फेस शेव कर रही हूँ, सो आई होप द रिजल्ट्स आर फाइन। डाउनवर्ड डायरेक्शन, आईब्रोज पे वेरी ट्रिकी, सो अभी मैं अपनी आईब्रोज नहीं कर रही हूँ बिकॉज स्टिल आई एम नॉट लाइक प्रो प्रो इन लाइक फेस शेविंग, तो आईब्रोज अभी मैं छोड़ रही हूँ। डन विद द फेस शेव एंड माई फेस फील्स सो स्मूद। मेरे बहुत ज़्यादा थिक बाल वैसे भी नहीं थे बट जो निकले हैं उसकी वजह हल्के हल्के पीच फज जिसे कहते हैं, रोए रोए से बाल थे, सो ये अब इट फील्स सो 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 गुड। And after you have done face shaving, either you can apply ice on your face, but then ice I think will be too harsh. So मैंने अपना aloe vera gel fridge में रख रखा है for like 1 hour and एकदम ठंडा ठंडा हो गया होगा, तो I'm gonna apply that. But yes, post shave फटाफट से आपको अपनी skin पर कुछ ठंडा ठंडा लगाना है to soothe the skin. कोई बहुत लोग बहुत ज़्यादा fancy serums वगैरह लगाते हैं, I would not do that. Specifically जैसे vitamin C और ये salicylic acid और ये सब जो केमिकल वाले सीरम्स होते हैं वो वैसे भी बहुत एक्टिव होते हैं, तो यू नेवर नो आपकी स्किन किस कैसे भी रिएक्ट कर जाए, सो वी आर नॉट गोना डू दैट एंड वी आर गोना अप्लाई समथिंग विच इज़ नॉट एट ऑल एक्टिव एंड समथिंग विच इज़ वेरी सूदिंग। सो आई एम बैक विद द एलोवेरा जेल एंड अभी मैं लगाऊंगी, उससे पहले इसको क्लीन करके वापस इसमें रखना है, ऐसे गंदा मंदा नहीं रख देना। सो दैट्स माई एलोवेरा जेल, एकदम ठंडा हो रखा है एंड आई एम गोना टेक अ पम्प and I'm gonna massage it on myself. Oh god, it feels so good. It feels so freaking good. You can face shave and always do a patch test before doing it full face. So yes, मैंने patch test किया था and my skin felt fine. And अभी भी always मेरे को थोड़ा सा तो डर लग ही रहा था and मैं future videos में भी आपको बता दूंगी कि how my skin reacted or not reacted or felt good or bad whatever, जो भी होगा honestly I'm gonna tell it to you guys. And अच्छे से face और हाथ और razor और सब कुछ धो के करना है, hygiene sanitization is very important. Razor को हमेशा साफ रखना है अंदर भी और यूज़ करने से पहले भी साफ करना है, यूज़ करने के बाद भी साफ करना है, इट विल प्रोलोंग द लाइफ ऑफ द रेजर एज वेल एंड ऑफ कोर्स कोई स्किन पे रैश वगैरह नहीं होगा। अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो लुब्रिकेंट यूज़ करके करो इफ़ यू आर कंफर्टेबल, आई वॉज कंफर्टेबल ड्राई शेविंग एंड ड्राई शेविंग में यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल सो दैट निक्स एंड कट्स वगैरह नहीं आए। निक्स एंड कट्स आर डिफरेंट फ्रॉम रेजर बर्न्स, रेजर बर्न्स अकर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लुब्रिकेशन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, एंड निक्स एंड कट्स अकर बिकॉज
you're not doing it properly perhaps, so that's why. And कुछ myths हैं वो ये है कि hair grows back thicker. मैंने अपना example आपको दे दिया, hair doesn't grow back thicker, rather 3 weeks में मेरे hardly बाल आए थे जहाँ पर मैंने पहले face shave किया था. So yes, your hair does not grow back thicker. And यार इसके पीछे logic ये है कि आपका बाल जो है वो follicle से grow होता है. So if you have a beard, you have a beard. If you don't have a beard, then you're not gonna grow one. And जो भी आपको thick लगता है वो is because of the एज. आई मीन जब आप ऊपर से उसको जब आप शेव करते हो तो आप उसका एज काटते हो, तो वो एज ब्लंट होता है, वो थिक एज की वजह से लगता है, नॉट बिकॉज आपका बाल थिक हो गए. बाल मोटा नहीं होता, बाल जैसा है जेनेटिकली वो वैसा ही रहता है. इट्स जस्ट जब पूरा बाल ग्रो हो जाएगा तो वो वापस सॉफ्ट ही होगा. इट्स जस्ट जब आप एज से उसको कट करते हो तो उसका कोर्स एज होता है, बाल थिक नहीं होता. सो इट कैन कॉज इरिटेशन. येस, कुछ लोगों में इरिटेशन हो भी जाती है इफ नॉट डन प्रॉपरली. पोस्ट केयर अगर आपने ढंग से नहीं किया एंड स्किन अच्छे से प्रिपेयर नहीं करी, इरिटेशन हो सकती है. अगर आपने बहुत ज़्यादा रफ यूज़ किया है, इरिटेशन हो सकती है. एंड वो दूसरे मेंस रेजर फेस पे नहीं लगाने, वन यूज़ अ रेजर लाइक दिस, बिकॉज एक तो इसका सर्फेस एरिया बहुत कम है, जेंटल स्ट्रोक्स होते हैं, ईजी टू यूज़ है ये, एंड इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है. So yes, not gonna use those दाढ़ी वाले razors, तो वो उनसे बच के रहो. Shaving is rather very good for your skin, reason being it exfoliates your skin and the products that you apply after they penetrate deeper into the skin and उनका अच्छा result रहता है. And एक और चीज़, इसके बाद कोई बहुत ज़्यादा active ingredient like salicylic acid, vitamin C वगैरह नहीं use करना. अच्छे से sunscreen apply करनी है because your skin is like बालों की लेयर जैसे भी हो, थिक या पतली, इट प्रोटेक्ट्स योर स्किन. सो अगर वो लेयर ही हटा दी तो योर स्किन इज लाइक मोर एक्सपोज टू द सन. सो अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई करनी है टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द रेज ऑफ द सन. सो येस, वो तो चाहे आप शेव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको सनस्क्रीन तो हमेशा अच्छे से अप्लाई करनी ही चाहिए. सबसे बेस्ट चीज़ है मेकअप एप्लीकेशन, एकदम स्मूद हो जाता है एंड योर स्किन फील्स लाइक न्यू, इट फील्स सो बेबी सॉफ्ट. सो येस, मेरे को तो अभी तक जो भी रहा सही रहा. इसके बाद कल क्या होता है इसकी क्लिप मैं डाल दूंगी आफ्टर दिस वीडियो. सो येस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपके सारे मिथ्स और जो भी क्वेश्चंस होंगे मैंने इस वीडियो में सॉल्व कर दिए होंगे एंड दिखा भी दिया है कि हाउ टू डू इट प्रॉपरली. एंड फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ 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 कॉमेंट सेक्शन में डाल देना. आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन, ऑल योर क्वेरीज. So yes, that is it for this video. I'm gonna see you guys in my next video. Till then, bye-bye. So it's the next day and more than 24 hours हो गए मुझे फेस शेव किए हुए एंड अभी तक एकदम ओके रिपोर्ट है. मैंने अभी फेस पे सुबह मॉइस्चराइजर लगाया था, सनस्क्रीन लगाई थी एंड हल्का सा स्पॉट करेक्शन किया था, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं लगाया था, थोड़ा बहुत कंसीलर लगाया था एंड टिंट लगा रखा है. एंड दिस साइड ऑफ द स्किन फील सो सॉफ्ट एंड इट्स वेरी गुड. सब कुछ सही है, कोई एसिड रैश या एक्ने वगैरह अभी तक नहीं हुए, कोई रेडनेस नहीं आई एंड आई एम लाइक रियली हैप्पी विद द रिजल्ट सो फार एंड आई होप आगे भी यही कंटिन्यू होगा एंड माई स्किन फील सो सॉफ्ट.